जानेंगे कि डेमोस्ट्रेशन प्लान होता क्या है, इसे बनाते कैसे हैं और इसका यूज कहाँ होता है। तो सबसे पहले जानते हैं कि डेमोस्ट्रेशन प्लान होता क्या है। देखिए, जब भी हम किसी ITI के स्टूडेंट या फिर डिप्लोमा का स्टूडेंट या फिर कोई स्किल सिखाना चाहते हैं तो वहाँ पर डेमोस्ट्रेशन प्लान की आवश्यकता पड़ती है। क्योंकि जब हम थ्योरी का क्लास लेते हैं और उसके बाद हमें बच्चों को दिखा कर समझाना होता है कि वो वर्क कैसे करता है या फिर उस काम को हम अंजाम कैसे देते हैं देना है हमको, तो हम लोग क्या करते हैं, डेमोस्ट्रेट करते हैं उन्हें। और डेमोस्ट्रेट करने करने से पहले हमें एक प्लानिंग करने की आवश्यकता होती है कि उन लोगों को बढ़िया समझा सकें कि हाँ उस काम एक्चुअली हो कैसे रहा है। ये जो डेमोस्ट्रेशन फॉर्मेट है NSTI हावड़ा का है, लेकिन पूरे भारत के NSTI का ये लेटेस्ट फॉर्मेट है। इससे पुराना फॉर्मेट था जो कि ग्रीन कलर का हुआ करता था, फिलहाल उसे चेंज करके ये नया फॉर्मेट लाया गया है जिसे 4 स्टेप डेमोस्ट्रेशन मेथड बोलते हैं। हमें डेमोस्ट्रेट 4 स्टेप में करना पड़ता है जिसे 4 स्टेप मेथड भी बोलते हैं। सबसे पहला स्टेप होता है प्रिपरेशन, ठीक है। दूसरा स्टेप होता है डेमोस्ट्रेशन। तीसरा स्टेप होता है अप्लीकेशन। और चौथा स्टेप होता है प्रैक्टिस और रिव्यू, ठीक है। ठीक है, चलिए जानते हैं इसमें हम लोग बनाते कैसे हैं और इसका यूज कैसे किया जाता है। ठीक है, सबसे पहले हमें क्या क्या करना होता है, अपना नाम देख पा रहे होंगे, सबसे पहला ऑप्शन यहाँ पे नाम, तो यहाँ अपना नाम फिल कर लेते हैं जो भी है। यहाँ पे ट्रेड, हमारा ट्रेड कौन सा है, उसके बाद रोल नंबर, ठीक है। उसके बाद हम लोग स्किल नंबर डाल देते हैं कि स्किल नंबर हमारा कितना है, हम कौन कितना नंबर डेमोस्ट्रेशन प्लान बना रहे हैं। और यहाँ पे लिख देते हैं टेम डेट और टाइम, मतलब हमें कब पढ़ाना है और कितना समय लेना है इसको बनाते समय पढ़ाते समय, ठीक है। उसके बाद देखते हैं प्रिपरेशन, मतलब कि हमें कौन सा ऐसा टाइटल है, कौन सा स्किल हम लोग को बच्चों के अंदर दिखा के और उनको समझाना है, उसका हम लोग टाइटल लिख लेते हैं। जैसे कि हम टाइटल ले लेते हैं क्या, क्यू क्यूक रिटर्न मैकेनिज्म, क्या ये कहाँ होता है, सेपर के अंदर, ठीक है। हम लोग सेपर के अंदर उन्हें डेमोस्ट्रेट करके बताएंगे कि हमारा जो क्विक रिटर्न मैकेनिज्म है वो वर्क कैसे करता है, ठीक है। अब उसके बाद हमें सोचना होता है कि जब हम इसको बताएंगे तो हमें कौन कौन सी ऑब्जेक्टिव्स उन लोगों को देना है, कैसा कैसा ऑब्जेक्टिव उनको दे के हम समझा सकते हैं। ये जो है टोटली अपने मन से देख के, अपने मेथड से, कहीं से बिना कॉपी किए। सबसे पहले तो हमें ये बनाने के लिए प्रिपरेशन, मतलब क्विक रिटर्न मैकेनिज्म का प्रिपरेशन बढ़िया से होना चाहिए, उसका एक एक पॉइंट हमें पता होना चाहिए, तभी हम यहाँ पे ऑब्जेक्टिव डिसाइड कर सकते हैं। तो सबसे पहले इस टॉपिक की हम जानकारी कर लेंगे, उसके बाद हमें खुद से डिसाइड करना होता है, ना ही कहीं कॉपी किए। क्योंकि बहुत लड़के क्या करते हैं कि भारत स्किल द्वारा डेमोस्ट्रेशन प्लान डाउनलोड करके और वहीं सेम टू सेम छाप देते हैं, जो कि बाद में उन्हें पढ़ाई पढ़ाने में बहुत दिक्कत होती है, वो तो किसी और द्वारा प्लान किया होता है। हमें यहाँ पे अपना खुद से प्लानिंग करना होता है कि हम बच्चों को कैसे अपना ज्ञान उनको ट्रांसफ़र करेंगे, हम अपना ज्ञान उन्हें उनमें कैसे देंगे, उन्हें स्किल कैसे सिखाएंगे। तो हमें खुद का प्लान खुद से तैयार करना होता है। तो प्लानिंग में सबसे पहले हम क्या सिखाना चाहते हैं बच्चों, तो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव क्या डाल देंगे हम, इंट्रोडक्शन ऑफ क्विक रिटर्न मैकेनिज्म, ठीक है। इंट्रोड्यूस कराने के बाद जो इसका अगला सब ऑब्जेक्टिव हो सकता है क्या, अब उनको हमें बताना पड़ेगा कि हाँ इसके अंदर कौन कौन सा पार्ट आता है जिससे हमारा क्विक रिटर्न मैकेनिज्म और काम करता है, ठीक है। दूसरा पॉइंट, दूसरा हमारा ऑब्जेक्टिव, दूसरा पॉइंट क्या हो सकता है, पार्ट्स। ठीक है, अब तीसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट क्या हो सकता है, हाउ टू कन्वर्ट वन मोशन टू अनदर मोशन, वन मोशन टू अनदर मोशन, ठीक है। चौथा पॉइंट, एक और पॉइंट डालना है हमें, तो देखिए क्विक रिटर्न मैकेनिज्म में क्या होता है कि 3:2 यानी 3:2 में हमारा जो
दोनों स्टॉक होता है उन दोनों का अनुपात बढ़ जाता है। जैसे जाने में अगर वो 3 मिनट ले रहा है तो आने में कितना मिनट लेगा, 2 मिनट, यानी आगे जाने की अपेक्षा, फॉरवर्ड की अपेक्षा बैकवर्ड में कम समय लेता है हमारा। कैसे प्राप्त होता है हमें तो भी तो बता देंगे होंगे। ठीक है, अब हमारा क्या हुआ, यहाँ पे ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हो गया, यानी हम प्रिपरेशन का एक स्टेप जो ऑब्जेक्टिव था उन्हें हम कंप्लीट कर चुके हैं। इसके बाद हमें क्या देखना है, मटेरियल्स, टूल्स एंड इक्विपमेंट्स, मशीन्स जो रिक्वायरमेंट है, हमें क्या क्या चाहिए इसको मतलब समझाने के लिए। तो अपने जो टॉपिक है उनके अनुसार एक एक पॉइंट पढ़ेंगे और देखेंगे हाँ इस पॉइंट को पूरा करने के लिए हमें किस वस्तु की, किस इक्विपमेंट की, कौन सा टूल है जिसका हमें ज़रूरत पड़ने वाला है, ओके यहाँ पर हम लिख देंगे। तो देखिए क्विक रिटर्न मैकेनिज्म तो सिंपल सी बात है, सेपर का है, तो हमें एक सेप हमारे पास एक क्या होना चाहिए, सेपर मशीन होना चाहिए। क्या होना चाहिए, सेपर मशीन। सेपर मशीन हो गया। इसके बाद हम इसमें क्या ले सकते हैं, जैसे कि ये जो हमारा रेशियो है पार्ट को तो हम मशीन के अंदर ही दिखा देंगे, इंट्रोडक्शन तो मशीन पे ही कर देंगे, हाउ टू कन्वर्ट वन मोशन टू अनदर मोशन, इसको हम लोग कन्वर्ट करने के लिए दिखा सकते हैं कहाँ, ब्लैक बोर्ड पे। तो हमें क्या चाहिए, ब्लैक बोर्ड, ब्लैक बोर्ड। उसके बाद ब्लैक बोर्ड है तो वहाँ पे हमको चाक भी चाहिए, तो लिख देंगे चाक। और क्या चाहिए, आगे बढ़ते हैं, रिव्यू, लिंक या मोटिवेशन। हमें क्या करना होता है, इंट्रोडक्शन में रिव्यू, लिंक या मोटिवेशन, तीनों में से कोई एक लिखना होता है। रिव्यू, रिव्यू मतलब कि आप अगर पहले से पढ़ा चुके हैं वो चीज़ को, मतलब कोई क्लास ले चुके हैं, आपको रिव्यू करना होता है, पीछे वाली क्लास को याद दिलाना पड़ता है कि हाँ पीछे हम ये पढ़ाए थे, हम आज उसी से रिलेटेड ये पढ़ेंगे अगर रिलेटेड है तो, या फिर कभी और बहुत ही पहले पढ़ा चुके हैं और उसके द्वारा हम इसको लिंक करना चाहते हैं, किसी चीज़ की चीज़ से हम इसको जोड़ना चाहते हैं ताकि बच्चों को पीछे वाली याद आए और उनको उनका आज के क्लास में मन लगने लगे। तीसरा क्या है, मोटिवेशन। इसकी ज़रूरत तब पड़ती है जब हम देखते हैं कि हमारे क्लास के अलग अलग बच्चों का ध्यान अलग अलग जगह है, उन्हें फिर से एक जगह केंद्रित करने के लिए हमें मोटिवेशन की ज़रूरत पड़ती है। तो हम क्या करते हैं, हमें मोटिवेट करते हैं उन्हें कि हाँ वो लोग दोबारा से अपना ध्यान पढ़ाई पर केंद्रित कर लें। ठीक है, चलिए तो इसमें से किसी एक को हम लोग लिख सकते हैं, तो हम इसको लिंक कर देते हैं रैम का मूवमेंट, रैम के मूवमेंट से इसको हम लिंक कर देंगे, क्योंकि पहले अगर सेपर पढ़ा लिए हैं तभी तो उसके अंदर का मैकेनिज्म हम बता रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, इसको लिंक कर लेंगे किससे, अब आते हैं हम डेमोस्ट्रेशन, यहाँ से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो हमें क्या क्या करना होता है, जो भी हमारा ऑब्जेक्टिव है ए बी सी डी, हमें हर ऑब्जेक्टिव के बारे में यहाँ पे लिख के और उसका यहाँ पे प्रोसीड्यूर लिखना होता है कि, और फिर उसके साथ लिखना पड़ता है कि सेफ्टी, उसमें हम क्या सेफ्टी बरत सकते हैं। तो पहला ऑब्जेक्टिव हम क्या लिखे हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे ए नंबर डाल देंगे, और पहला ऑब्जेक्टिव हमारा क्या है, इंट्रोडक्शन, तो यहाँ पे लिख देंगे हम क्या, इंट्रो, इंट्रोडक्शन। ठीक है, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, यहाँ पे ऑब्जेक्टिव कुछ दूसरा डालते हैं और यहाँ पे ऑब्जेक्टिव में कुछ और डालते हैं, लेकिन हमें यहाँ पे भी यही सीक्वेंस फॉलो करना होता है। जैसे हम ए नंबर पे इंट्रोडक्शन डाले हैं तो यहाँ पे भी हम ए नंबर का इंट्रोडक्शन डाल देंगे, और इंट्रोडक्शन के बारे में हम उन्हें क्या बताना चाहते हैं उसका हम शॉर्ट में अपने तरीके से, जिसको हम जब भी हमें मतलब क्लास लेने की ज़रूरत पड़े और हमें याद ना आए तो उस समय के लिए हम यहाँ पे थोड़ा सा शॉर्ट में लिख लेते हैं कि उस समय हमें याद रहे और बच्चों सबको आसानी से हम बता सकें। इंट्रोडक्शन, अब ए नंबर पर इंट्रोडक्शन है तो इंट्रोडक्शन रहेगा, बी नंबर पे पार्ट है तो पार्ट रहेगा, और सी नंबर पे यहाँ पे कन्वर्ट मोशन है तो मोशन है कन्वर्टेशन, कन्वर्ट वाला ही हम लिखेंगे। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि यहाँ पे सीक्वेंस छोड़ के अलग मतलब इधर उधर लिख देते हैं, उनका क्या होता है, गलत हो जाता यहाँ पे। आप इसका इंट्रोडक्शन लिख दें। ठीक है, अब हम दूसरा पॉइंट क्या लिख लेंगे, यहाँ पे दूसरा पेज खोलेंगे और यहाँ पे लिख देंगे दूसरा पॉइंट। पहले पेज में जगह ज़्यादा है तो वहाँ पे भी आप लिख सकते हैं। तो हमारा दूसरा पॉइंट क्या होता है कि दूसरा पॉइंट हम लोग डाले थे पार्ट्स, क्या पार्ट्स डाले थे यहाँ पे, तो हम लिख लेंगे क्या दूसरा पॉइंट, पार्ट पॉइंट बी, और बी करके हम यहाँ पे लिख देंगे पार्ट्स। ठीक है,
यहाँ पे जब हमें सेफ्टी की ज़रूरत पड़े तो हम सेफ्टी भी हम यहाँ पे लिख सकते हैं, लेकिन हमें यहाँ पे कोई सेफ्टी की ज़रूरत नहीं है पहले नंबर इंट्रोडक्शन में, ठीक है। यहाँ पे सेफ्टी यही कर सकते हैं कि मशीन को चालू करके लिख सकते हैं यहाँ पे कि मशीन को चालू करके हमें इंट्रोडक्शन नहीं करना है, सेफ्टी में डाल सकते हैं यहाँ पे। उसके बाद आ जाएगा पार्ट्स, हम लिख देंगे क्या उसके कौन कौन से पार्ट्स यूज होने वाले हैं। नंबर पॉइंट तो यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, सी जो हमारा सी नंबर पॉइंट था, सी नंबर में क्या था हमारा, सी नंबर में था हाउ टू कन्वर्ट वन मोशन टू एनदर मोशन, ठीक है। तो क्या लिख देंगे यहाँ पे, मोशन कन्वर्टिंग शॉर्ट में लिख सकते हैं क्योंकि आगे तो हम पूरा ऑब्जेक्टिव लिख चुके हैं, तो यहाँ पे अपने याद रहने के लिए क्या लिख लेंगे यहाँ पे शॉर्ट में लिख देंगे मोशन कन्वर्टिंग। फुल में नहीं लिखना होता है, पूरा नहीं लिखना होता है। ठीक है, ये हो गया हमारा कंप्लीट तीसरा पॉइंट। अब इसके बाद हमारा चौथा पॉइंट क्या था, यानी डी नंबर, डी नंबर हमारा था रेशियो। रेशियो हम देख रहे थे, तो रेशियो कौन सा, 3:2, 3:2 रेशियो कैसे आता है, तो इसमें क्या होता है बिग आर्क, जो उसमें बिग आर्क बनता है इसको हम याद रखने के लिए लिख लेंगे यहाँ पे बिग आर्क 220 डिग्री, जो कि फॉरवर्ड स्ट्रोक होता है, और स्मॉल आर्क, स्मॉल आर्क ये होता है 140 डिग्री का, ये जो होता है हमारा रिटर्न स्ट्रोक होता है, रिटर्न स्ट्रोक होता है। रेशियो कितना प्राप्त होता है, रेशियो मिल जाता है हमारा 3:2। मतलब शॉर्ट में अपने तैयारी के लिए कि हम वहाँ पे एक बार देख के हमें याद आ जाइए, इसके लिए हमें ये डेमोस्ट्रेशन प्लान बनाना होता है कि बच्चों को आसानी से एक बार हम देख के बता दें। अगला स्टेप आता है एप्लीकेशन। तो एप्लीकेशन में क्या करना होता है हमें, एप्लीकेशन में दो प्रकार से हम एप्लीकेशन करते हैं, पहला क्वेश्चन करके, ठीक है, क्वेश्चन जैसे पूछ लेंगे उसको नहीं आया तो फिर दोबारा से बताएंगे, और दूसरा क्या समराइजेशन। तो यहाँ पे हम एप्लीकेशन में जो है क्वेश्चनिंग मेथड भी यूज कर सकते हैं और समराइजेशन मेथड भी यूज कर सकते हैं, कोई एक मेथड या दोनों मेथड से ही हम यूज कर सकते हैं। तो हमें क्या होता है समराइजेशन, यहाँ पे जो टॉपिक है हमारा टॉपिक के ऊपर डिपेंड करता है कि इसमें बेटर क्या रहेगा, तो ये जो हमारा टॉपिक है इसमें बेटर हमें लग रहा है क्या कि समराइजेशन। तो समराइजेशन हम क्या करेंगे, जो कि हम पहले ऑब्जेक्टिव में पढ़ा चुके हैं, ऑब्जेक्टिव्स में पढ़ा चुके हैं वही समराइज करेंगे, अलग से कुछ पढ़ाना नहीं होता है। अलग से आप डालिएगा तो थोड़ा गलत हो सकता है, इसलिए जो कि आप ऑब्जेक्टिव जो डाल चुके हैं उसी को लेकर शुरू से अंत तक चलना होता है। तो ऑब्जेक्टिव में हम क्या डाले हुए कि उसका पार्ट, तो अब मैं क्या डालना होता है कि यहाँ पे प्रैक्टिस रिव्यू में डालना होता है कि रेफरेंस, हम रेफरेंस कहाँ से लेते हैं, कैसे मतलब इसको हम तैयारी किया, फिर बच्चों को बताना क्या चाहते हैं, रेफरेंस हम क्या देना चाहते हैं इसको पढ़ने के लिए। तो सबसे बढ़िया इसका जो है नीमी, ये जो है कहाँ से, नीमी बलबीर सिंह का एक बुक आता है वहाँ से, और गूगल। और अगर ऑनलाइन मेथड यूज करना हो तो गूगल, यहाँ पे इसका जो है रेफरेंस ले सकते हैं, ठीक है। अब हमारा आज ये टॉपिक पढ़ा दिए, तो हम नेक्स्ट टॉपिक क्या ले, मतलब नेक्स्ट जो हमारे डेमोस्ट्रेशन होगा वो कौन से टॉपिक के ऊपर होगा, ठीक है, नेक्स्ट स्किल कौन सा होगा हमारा। तो इसमें हम जो अब हमारा नेक्स्ट लेसन हो सकता है उसके बारे में हम नेक्स्ट स्किल में डाल सकते हैं, ठीक है। अब चलते हैं अगला, अब यहाँ पे आता है हमारा अगला जॉब सीट। जॉब शीट तैयार करना होता है, जॉब शीट भी एक इंस्ट्रक्टर ही तैयार करता है। तो जॉब शीट में पहला नंबर पहले क्या, वही जो पहले पेज में हम लोग पहला डेमोस्ट्रेशन प्लान में काम किया वही करना होता है, अपना नाम वाम जो भी है अपना लिखना होता है, ठीक। अब यहाँ पे क्या जॉब स्केच, मतलब हमारा जो स्केच है उसको हम क्या करते हैं यहाँ पे तैयार कर लेते हैं, जो भी हमारा इस डेमोस्ट्रेशन से रिलेटेड जो भी स्केच बन पाए, स्केच बहुत ही ज़रूरी होती है यहाँ पे स्केच का मतलब उसमें देखते हैं कि इसमें हमारा ज़रूरी क्या है, स्केच अपना बना लेते हैं।
फिर हम इसमें दिखाते हैं कि हमने स्किल इसमें कौन कौन सा सीख रखा है। इसमें स्किल तो सीखने को क्या मिला, व्हाट इज क्विक रिटर्न मैकेनिज्म, हाउ डज द क्विक रिटर्न मैकेनिज्म वर्क, मतलब क्विक रिटर्न मैकेनिज्म काम कैसे करता है, इसका हर एक पार्ट कैसे काम करता है, एडजस्ट द लेंथ ऑफ रैम, उसमें रैम का हम जो लेंथ होता है उसको एडजस्ट कैसे करते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा इसमें जो हम लोग स्किल सीखे। इसमें मैं सेफ्टी क्या चाहिए, स्किल तो हो गया, अब इसमें मैं सेफ्टी किस किस क्या क्या बरतना चाहिए वो लिखना होता है। तो सेफ्टी क्या करना है, सबसे पहले तो मशीन के हर पार्ट्स में वायरिंग कर देना है। ठीक है, जो कि हम पे लिख देंगे, मशीन चालू करके डेमोस्ट्रेशन हमें नहीं करना चाहिए, तो जो भी हमारा सेफ्टी पर्पस है वो क्या यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, इसके बाद जो हमारा अगला पेज आता है क्या आता है, ऑपरेशन एक्सपेरिमेंट शीट। क्या ऑपरेशन एक्सपेरिमेंट शीट, इसमें फिर से हमें अपना टाइटल लिखना होता है कि कौन सा टाइटल है हमारा। ठीक है, अब इसका हम पूरा शेड्यूल लिखेंगे, यानी जो जो ऑब्जेक्टिव हम पहले लिख चुके हैं, जितने भी ऑब्जेक्टिव हमने पीछे लिखे हुए हैं सारे ऑब्जेक्टिव का यहाँ पे हम प्रोसीड्यूर लिखते हैं। और प्रोसीड्यूर लिखने के लिए हम ऑपरेशन और एक्सपेरिमेंट शीट को बढ़ा सकते हैं, क्योंकि हमारा टॉपिक है चार, और इसके फुल इंफॉर्मेशन जितना इसका इंफॉर्मेशन है हम कहाँ डालते हैं, ऑपरेशन एक्सपेरिमेंट शीट पर। इसी प्रकार हम पूरा प्रोसीड्यूर और सेफ्टी लिख देते हैं, जिसके बाद हमारा डेमोस्ट्रेशन प्लान समाप्त हो जाता है, लिखकर तैयार हो जाता है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। बेल आइकन दबाने से हमारा नया अपडेट आप लोगों को तुरंत मिल जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।